विश्व हिंदू परिषद मुंबई उपाध्यक्ष रमेश शाह की तरफ से अयोध्या में बन रहे रामलला के राम मंदिर भूमि पूजन में राम भक्तों के लिए 1,00,000 मोतीचूर के लड्डू का वाटअप किया जाएगा। ये लड्डू दहिसर बोरीवली कांदीवली में वाटअप किया जाएगा। ये ही नहीं, जो राम भक्त रमेश शाह के दहिसर पूर्व एनएल गार्डन के पास स्थित मिठाई की दुकान से लड्डू खरीदने आएगा, उस राम भक्त को 1 किलो लड्डू के साथ 1 किलो लड्डू मुफ्त, आधे किलो लड्डू के साथ आधा किलो लड्डू और 1/4 किलो लड्डू के साथ 1/4 किलो लड्डू मुफ्त दिया जाएगा। रमेश शाह का कहना है कि जब राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ था तब हमने 51,000 लड्डू बांटे थे। 22 जनवरी को राम मंदिर जन्मभूमि का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, तब हम मुंबई में 1,00,000 लड्डू बांटेंगे। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद मुंबई उपाध्यक्ष रमेश शाह, पुलिस मित्र मुकेश मेहता, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और रमेश शाह के परिवार के लोग उपस्थित थे। 500 साल बाद रामलला विराजमान हो रहे हैं अयोध्या में, पूरा देश जश्न मना रहा है, क्या कहेंगे? 450 साल से मेरा राम एक छोटी से झुकी झुपड़ी में बैठा हुआ था। सारा हिंदू समाज की आस्था का प्रतीक जो है, असत्य के ऊपर सत्य का जो विजय जिसे कहा जाता है, इसे प्रभु रामचंद्र 450 साल से, यह हिंदू समाज के लिए एक दुखद घटना थी। मुझे याद है 1990 के आसपास में जब हम लोग रोड पे चलते थे और जय श्री राम का नारा लगाते थे, उस समय लोग हमें हंसते थे। हम लोग थे, मंदिर वही बनाएंगे, सुगंध राम की खाते हैं, तो लोग बोलते थे सुगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, ऐसे हमें बोल रहे थे। मुझे याद है कि लास्ट 30-35 साल से मैं विष्णुपुर से जुड़ा हुआ हूँ। जब जब कार सेवा हुई तब मैं गया हूँ, जब मुलायम सिंह ने गोलियां चलाई तभी भी मैं गया था, जब डावरी ढांचा ध्वस्त हुआ उस समय भी मैं गया था, दिल्ली में हमने जब भी कोई भी कार्यक्रम किया हम दिल्ली में भी गए थे, और मुंबई में जो भी कार्यक्रम होते सभी में मैं सहभागी होता था। ये मेरा सौभाग्य रहा और हमारा सबका सौभाग्य ये रहा कि 450 साल अभी जो भी हिंदू समाज है वो देख रहा है कि छोटे से झुपड़ी से आज भव्य राम मंदिर में प्रभु रामचंद्र विराजमान हो रहे, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। बात आप 1,00,000 लड्डू वितरण करने वाले हैं जिसकी तैयारी जोर शोर से हो रही है, उसके लिए क्या कहेंगे? मुझे याद है जब खनन विधि हुई उस समय हमें इतना आनंद था, हमने तय किया कि लोगों से दान पुण्य लेके 51,000 लड्डू बांटेंगे। हमने उस समय 51,000 लड्डू बांटे, जो भी झोपड़ियों में दहिसर बोरेवली कांदीवली मलाड़ भाईंदर मीरा सारी जगह हमने लड्डू बांटे, क्योंकि लोगों को खुशी व्यक्त होनी चाहिए, मुंह मीठा होना चाहिए, बांटे। इस बार हमने किया, रामलला अभी विराजमान हो रहे भव्य मंदिर में, तो हमने भव्य कार्यक्रम करना चाहिए, तो हमने तय किया 1,00,000 लड्डू हमने बनाए, और 1,00,000 लड्डू में से 51,000 लड्डू हम फ्री बांटेंगे, और उसके बाद में जो 50,000 बचेंगे उसमें भी हमने स्कीम बनाई कि 1,00,000 किलो लड्डू जो लेना है उसको हम 1/2 किलो लड्डू फ्री देंगे, तो और मतलब 50,000 में से 25,000 और फ्री हमारे बांटेंगे, तो सब 1,00,000 में से 75,000 लड्डू हम फ्री बांटेंगे, क्योंकि हमारे लिए खुशी की बात है, क्योंकि मेरे रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। देश की जनता को क्या मैसेज देंगे अयोध्या राम मंदिर? देश की जनता को हम क्या मैसेज देंगे? सभी के राम है, हमारे न केवल राम थोड़े, सभी के राम है, जितने सनातनी है या जिस इस पृथ्वी पे जो भी है, जो मानने वाले है, पुनर्जन्म मानने वाले है, ये सभी के राम 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 है, तो यह राम सबके है, यही हम सबने मिल के राम का उत्सव मनाना चाहिए। 1,00,000 लड्डू बनाया जा रहा है प्रसाद के रूप में। आज 450 साल बाद राम जी अपने पुनः स्थित पुनः वही स्थान पे जा रहे हो, पुनः उनके महल में जा रहे, जो की झोपड़ी में से जो छोटी सी उनकी तंबू में से आज भव्य राज महल में जा रहे, तो वो बहुत बढ़िया खुशी का आनंद का दिन होगा। ये 22 जनवरी का जो दिन है बहुत खुशी का दिन होगा हमारे लिए भी, और हमको एक बड़ा सौभाग्य मिला है कि हमको लड्डू बनाने का मौका मिला और लड्डू फ्री में हम बांट रहे, 51,000 लड्डू हम लोग फ्री में बांट रहे, 1,00,000 लड्डू बनाने वाले उसमें 51,000 फ्री में बांटेंगे और बाकी 1 किलो के ऊपर 1 फ्री में लड्डू बांटने वाले हम। बहुत नेक काम कर रहे हैं रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के मौके। हमारे रमेश भाई काफी सालों से, मुझे याद है कि 32 सालों से जब अडवाणी जी की यात्रा बुधली में आई थी तब से वो काम लगातार हिंदू के लिए विश्व हिंदू के लिए काम कर रहे है, और हम सभी को खूब आनंद है कि 22 तारीख को ये जो राम मंदिर बन रहा है उसमें हम सब लोग सहभागी हो गए और हमारा जन्म सफल हो गया, मैं तो समझता हूँ। प्रवीण जी क्या संदेश देंगे रमेश भाई का जो है पुण्य कार्य चल रहा है? बहुत अच्छा लगा जब वहाँ प्राण प्रतिष्ठान तय हुआ तारीख डेट, और जब वो कार्यक्रम बन के यहाँ आया और पूरे भारतवर्ष में
एक जनवरी से लेके 15 जनवरी तक जो निमंत्रण घर घर जाके देना था, जो संघ ने तय किया था, तो इस बार संघ ने कहा था कि हम पिछले बार जब मंदिर का निधि संकलन करने के लिए घर घर गए थे तो इस बार हमने कुछ मांगने के लिए नहीं गए थे, उनसे निमंत्रण देने गए थे, उनसे ये कहने आए गए थे कि 22 तारीख को, आने वाली 22 तारीख को जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठान होगा तो इस अक्षत को आप अपने घर के मंदिर में डालिए और उस दिन धूमधाम से इस बार 2024 में एक दूसरा दिवाली मनाइए, शाम को मिठाइयां बांटिए, फटाका फोड़िए। और मुझे बड़ी खुशी की बात तो ये है ही, उससे भी एक जानकारी आपको देता हूँ, राम जी की जो पत्नी सीता जी हैं, जहाँ उनकी उत्पत्ति हुई है उस जिला से मैं हूँ और उस जिला से संदेश बोलते हैं, जब शादी होने जाते हैं लड़की का तो हमारे गांव के लोग एक एक दौरा, दो दो दौरा, इस 21,000 दौरा पिछले 14 तारीख को निकला था और 15 को सुबह अयोध्या पहुंचा, वहां कार्यशेवकपुरम में रखा गया, हमारे भाई भी गए थे उसमें, तो मुझे और आनंद है और आने वाले समय में वहां भी सीता जी का भव्य मंदिर बनेगा ऐसा पूरा विश्वास है। रमेश भाई ने मेरे को आज फोन आया कि हम आज ये उत्सव स्टार्ट कर रहे हैं तो उनको सरकार की तरफ से निमंत्रण आया है, तो मैं रमेश भाई, केतन भाई पंड्या, गणेश और लखन सबका आभारी हूँ कि आज उनके साथ में मेरा 40 साल से पारिवारिक संबंध है और वो जो काम करते हैं वो हम देखते हैं। 51,000 लड्डू हर बोरीवली दहिसर कांजली स्लम में बांटने वाले, 1,00,000 लड्डू बनाने वाले, 1 किलो 1 किलो फ्री देने वाले, तो ये मैं उनको हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ, इतना बड़ा सौभाग्य मिला है।